देखिए ऐसा है, आज जे एंड के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की थी जो 10 बजे सुबह स्टार्ट हुई है, तो अभी आपके आने से 2 मिनट पहले ये कंक्लूड हुई है। इस मीटिंग में 3 एजेंडाज थे, 3 इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि 1-2 दिन पहले हमारे कुछ रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ जे एंड के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, कुछ मेंबर्स ने ये स्टेटमेंट दी जो मीडिया में सर्कुलेट भी हुई कि वो आर्टिकल 35A को जो है सपोर्ट करते हैं, और उस स्टेटमेंट को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, और उस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। ये कहने में कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक लीगल फ्रेटर्निटी जो जम्मू डिवीज़न की है उसकी तरफ से है, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ से नहीं थी, उसमें एक हमारे जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट भी थे। तो चूंकि इससे ये मैसेज गया कि शायद ये स्टेटमेंट जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, और आज की मीटिंग में मेजॉरिटी, इनफैक्ट द एंटायर एग्जीक्यूटिव कमेटी टुक ए डिसीजन टू कन्वे दैट द स्टेटमेंट मेड बाई फ्यू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द बार यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे वॉज देयर पर्सनल स्टेटमेंट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सीरियसली कंडेम्स दिस स्टेटमेंट, हम इसको डिसओन करते हैं। ये इनकी पर्सनल इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो सकती है, जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, और ना हमने उनको ऑथोराइज किया था। आज के बाद आपके माध्यम से मैं जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स से ये अपील करता हूं कि कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा जब तक बार उसको ऑथोराइज नहीं करेगी, या कोई जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ऑफिस बीरर उसको स्टेटमेंट को दे। दूसरा इशू ये था, चूंकि इससे जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इमेज जो एक नेशनलिस्ट इमेज और अप्रोच है, राष्ट्रवादी अप्रोच है, इसको ठेस पहुंची, और काफ़ी हद तक ये एक सोसाइटी में मैसेज गया कि शायद जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 35A पे कुछ अलग विचार रखती है बाकी देश के विचार से हट के। इसलिए आज ये भी इशू था कि इन मेंबर्स के साथ कैसे डील किया जाए, और मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि इन 2 मेंबर्स को शो काज नोटिस निकाला जाए, इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए, और जब तक ये एक्सप्लेन करते हैं तब तक इनको बेसिक मेंबरशिप से सस्पेंड किया जाए। तीसरा ये, और ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुकी है जनरल हाउस के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर चुकी है कि जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एक नेसेसरी पार्टी है, ज़रूरी पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 35A पे डिसाइड करने जा रही है। और उस एप्लीकेशन मूव करने से पहले जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस में 35A को अपोज करने का डिसीजन ले लिया है, जबकि जनरल हाउस का डिसीजन बाइंडिंग है पूरी एसोसिएशन पे। इन मेंबर्स को कोई इख्तियार नहीं था अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट भी देने का, अनलेस दे वुड हैव सरेंडर्ड देयर मेंबरशिप फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ द बार एसोसिएशन। तो इसलिए ये मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया। तीसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जे एंड के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑलरेडी एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव कर चुकी है, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, और 35A को जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको टूथ एंड नेल अपोज करती है। ये आज की मीटिंग का एजेंडा था। थैंक यू। देखिए ऐसा है, कुछ लोग होते हैं इररिलेवेंट होते हैं, न्यूसेंस वैल्यू होते हैं।